नक्सली दहशत और विकास के नाम पर इंद्रपति टाइगर रिजर्व विभाग बीजापुर जिले में घटिया निर्माण कार्य को अंजाम देने के साथ ही लाखों करोड़ों रुपए की गड़बड़ी को अंजाम दे रहा है। वाडला डैम मरम्मत में पूर्व रेंजर नामदेव नाग ने 40 लाख रुपए खर्च होने का दावा किया था। वहीं विभाग प्रमुख एम के चौधरी ने 48 लाख रुपए खर्च करने का दावा किया है। साथ ही रेत सफाई में 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च होने के रेंजर के दावे को विभाग प्रमुख ने झूठा करार दिया है। अब दोनों ही अधिकारी कटघरे में खड़े हुए हैं। दरअसल पूरा मामला मदेड़ बपर क्षेत्र के वाडला का है, जहां कुछ सालों पहले जल संसाधन विभाग ने डैम कार्य कराया था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग को मरम्मत कार्य कराने का जिम्मा सौंपा गया था, लेकिन विभाग ने मरम्मत के नाम पर महज खानापूर्ति ही की है। प्लास्टर, कंक्रीट और 6 mm की छड़ के इस्तेमाल से 48 लाख रुपए का भ्रष्टाचार का पूरा खेल खेला गया है, जबकि जल संसाधन विभाग से अनापत्ति तक लेने की विभाग ने जहमत नहीं उठाई। डैम मरम्मत कार्य में लगे मजदूर बताते हैं कि रेंजर साहब सिर्फ भुगतान करने एक बार आए थे, दोबारा और क्षेत्र में कभी नहीं पहुँचे। वहीं मजदूर कन्हैया ने बताया कि पूरे मरम्मत कार्य में मजदूरों को महज 170 रुपये प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया है। नहीं, इसमें तो कार्य हुआ है हमारे यहाँ, जो भी है तो सामने है, केनाल भी है, एक ही जगह का नहीं, केनाल का है और तालाब सफाई, तालाब ऊपर में रेत सफाई का है और उसके बाद स्टार डैम का है, लेकिन कार्य का है। रेत सफाई तो वहाँ हुआ नहीं है अभी तक। नहीं, रेत सफाई हुआ था, अभी बाढ़ आया तो फिर से रेत आ गया। सर, जब वहाँ पे सर रेत सफाई के नाम पे 5 या 5.5 लाख रुपए बुक किए गए हैं, लेकिन जब इस लोकेशन पे हम पहुँचे तो ऐसा कुछ भी हमको देखने नहीं मिला सर। नहीं, ऐसा कोई बुक नहीं दिया गया, गलत जानकारी है। आपके रेंजर ने बताया कि 5 लाख के ऊपर की राशि उस रेत सफाई के लिए बुक किया गया सर। नहीं, वो गलत जानकारी उन्होंने दिया हुआ है। तो आपके रेंजर झूठ बोल रहे हैं सर? जो भी बोल रहे हैं, मगर उसमें किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं।